नमस्ते सभी को। कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने एबेकस ट्यूटोरियल्स हिंदी में भी पेश करूं। ये मेरी पहली कोशिश है कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल के दरम्यान, लेकिन मैं पहले ही आपको बताना चाहूंगा कि मैं पूरा का पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में शायद ना बात कर पाऊँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मिक्स हो जाएगा बीच बीच में। ओके, सो शुरू करें। ये सबसे पहला ट्यूटोरियल है एबेकस पे नंबर पहचानने की। ओके, सो इस पर देखते हैं कि एबेकस पे हम नंबर कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई करें। ओके, सो सबसे पहले हम यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस के रॉड्स फिक्स कर दें। सो ये देखिए, बीच में इस बार पे कुछ वाइट डॉट्स दिखेंगे। सो यहाँ पे एक वाइट डॉट है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सो इन पांच में से जो ये बीच वाला वाइट डॉट है, इस वाइट डॉट वाले रॉड को हम यूनिट्स प्लेस पकड़ेंगे। ओके, सो ये यूनिट्स प्लेस, तो उसके बाजू में टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस इस प्रकार हो जाएगा। सो हर रॉड पे नीचे चार अलग बीड्स है और ऊपर के पोर्शन में एक सिंगल बीड है। ओके, सो नीचे के चार बीड्स और ऊपर का ये सिंगल बीड, इनका इस्तेमाल करके हम हर रॉड पे 0 से लेके 9 तक, यानी 0 से लेके 9 तक हम सारे के सारे नंबर्स दिखा सकते हैं हर रॉड पे। ओके, सो हम यूनिट्स प्लेस से शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल जब ये बीच के बार को कुछ भी टच नहीं कर रहा, यानी कि नीचे के बीट्स भी दूर है उससे और ऊपर वाला बीट भी उससे दूर है, तो हम इस वक्त इस नंबर को 0 कहेंगे। ओके, सो कोई भी बीट इस्तेमाल में नहीं है तो नंबर है 0। जब मैं नीचे से एक बीट ऊपर लूँगा तो ये 1 काउंट होगा। सो एक बीड लिया तो एक काउंट होगा, और एक लिया तो ये 2 हो गया, 2, और एक लिया तो ये 3 हो गए, और एक लिया तो ये 4, यानी कि 4। अभी ये 4 के आगे के नंबर के लिए हम क्या करेंगे, तो ये नीचे के सारे बीड्स निकाल देंगे और ऊपर का ये जो सिंगल बीड है उस सिंगल बीड को इस्तेमाल में लेंगे तो ये 5 काउंट होगा। सो ऊपर के ये अकेले बीड को 5 बोला जाएगा। ओके, सो ये ऊपर के बीड को 5, सो उसमें उस ऊपर वाले बीड में मैं अगर नीचे वाला एक बीड जोड़ दूं तो ये 5+1 यानी कि 6 हो गया, और एक जोड़ दूं तो ये 5+2 यानी कि 7, और एक जोड़ दूं तो 5+3 यानी कि 8, और एक और जोड़ दिया तो 5+4 यानी कि 9 हो गया। सो इस प्रकार हम 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स एबेकस पे पढ़ सकते हैं। फिर से देखते हैं, फिलहाल शुरुआत में ये 0 है क्योंकि कोई भी बीड इस बार के पास नहीं है। जब मैं नीचे से एक बीड लूँगा तो 1, एक और लिया तो 2, एक और लिया तो 3, एक और लिया तो 4। 4 के आगे के नंबर के लिए हम ऊपर वाले बीड का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर ऊपर वाला अकेले बीड को हमने इस्तेमाल में लिया तो वो 5 होगा, नीचे का कोई भी बीड उसके साथ में नहीं है तो ये 5 होगा। इस 5 में अगर मैं नीचे से एक बीड जोड़ देता हूँ तो 6, और एक जोड़ दिया तो 5+2 यानी कि 7, एक और जोड़ दिया तो 5+3 यानी कि 8, एक और जोड़ दिया तो 5+4 यानी कि 9। अभी इस 9 में से अगर मैं ऊपर वाला 5 हटा दूं तो ये नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि सिर्फ नीचे वाले 4 बीट्स इस्तेमाल में है। तो हमेशा नंबर पढ़ते समय ये ध्यान दें कि ऊपर वाला बीट इस्तेमाल में है या नहीं, अगर इस्तेमाल में है तो वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा, अगर ऊपर वाला बीड इस्तेमाल में नहीं है तो वो उस रॉड पे नंबर 5 से छोटा होगा, इतना हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि 2-डिजिट नंबर यानी कि 2 अंकों का नंबर हम कैसे पढ़ें। तो 2 अंकों के नंबर के लिए या 2-डिजिट नंबर के लिए हम 2 रॉड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। सो अगर हमें नंबर 22 दिखाना है तो 22 यानी कि 22 हमें हर रॉड पे 2 लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी 2 ले लिया, यहाँ पे भी 2 ले लिया, तो ये नंबर हो गया 22 यानी कि 22। ओके, अगर मैं इसमें से ऊपर वाला बीड भी जोड़ दूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा देखते हैं। लेफ्ट में यानी कि टेंस प्लेस में हमारे पास सिर्फ 2 है यानी कि 2, और यूनिट्स प्लेस में हमारे पास 5+2 यानी कि 7 है, तो ये नंबर हो जाएगा 27। उसी प्रकार ये नंबर हो जाएगा, लेफ्ट में है 3 और यूनिट्स प्लेस में है हमारे पास 4 यानी कि 34 यानी कि 34 नंबर है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अभी ये नंबर ले लूँ और यहाँ पे 2, तो
तो अभी ये नंबर हो जाएगा 82, क्योंकि लेफ्ट में यानी कि टेंथ प्लेस में मैंने ऊपर का 5 और नीचे के 3 यानी कि 5 + 3 8 ले लिया है, और इस 8 के बाजू में मैंने 2 लिया है, सो ये नंबर हो जाएगा 82 यानी कि 82। अभी अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे 5 लेता हूँ तो ये नंबर हो जाएगा 45 यानी कि 45, क्योंकि मैंने लेफ्ट रॉड पे सिर्फ 4 लिया है और राइट रॉड पे यानी कि यूनिट्स प्लेस में मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 लिया है, नीचे का कोई भी बीड इस्तेमाल में नहीं है। सो यहाँ पे ये नंबर अभी एबाकस पे 45 यानी कि 45 है। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ और यहाँ पे 9 लेता हूँ तो ये नंबर हो जाएगा 59। ओके, लेफ्ट में मैंने सिर्फ 5 लिया है और राइट में मैंने 9 लिया है। अगर मैं अभी लेफ्ट के और 2 बीट्स जोड़ देता हूँ तो ये नंबर हो जाएगा 79, क्योंकि लेफ्ट में अभी 5 + 2 7 है और राइट में 5 + 4 9 है मेरे पास। एक और नंबर देखते हैं, ये नंबर हो जाएगा 65 यानी कि 65, क्योंकि लेफ्ट में टेंथ प्लेस में मेरे पास सिर्फ 5 + 1 6 है और राइट में मैंने सिर्फ ऊपर वाला बीड इस्तेमाल में लिया है, तो ये 65 हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाला निकाल दूं और नीचे वाला एक बीड ले लूं तो ये 65 के बजाय 61 हो जाएगा, 61। ओके, सो ये 5 + 1 6 और ये 1, सो ये 61 हो गया। उसी प्रकार ये नंबर अभी क्या गिना जाएगा देखते हैं। अभी इसमें मैंने टेंथ प्लेस में यानी कि लेफ्ट वाले रॉड पे 9 पूरे के पूरे 9 बीड्स ले लिए हैं, लेकिन राइट में मैंने एक भी बीड नहीं लिया है, सो इस नंबर को हम 90 यानी कि 90 या 90 कहेंगे। ओके, लेफ्ट राइट में अगर मैंने यूनिट्स प्लेस पे कोई भी बीड इस्तेमाल में नहीं लिया है तो वहाँ पे 0 है। ओके, सो ये 90 यानी कि 90 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी पहली कोशिश एबाकस ट्यूटोरियल हिंदी में पेश करने की, आपको ये शायद होपफुली पसंद आई हो। आपकी प्रतिक्रिया प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखे, और कुछ सुझाव हो सजेशंस हो तो प्लीज़ वो भी लिखे, मैं कोशिश करूँगा कि अपने आने वाले वीडियोस में वो सुधार ला सकूँ। धन्यवाद।